नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही आवाज और आपके साथ हूँ मैं वंदना उपाध्याय। 21 जुलाई यानी कि कल बकरीद का त्यौहार है। कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए ऐसे में राज्य के हर जिले में प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस जिला नवगछिया में बकरीद को लेकर पुलिस शांति तरीके से पर्व को मनाए जाने की तैयारी में जुट चुकी है। नवगछिया एसपी एसके सरोज के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के नेतृत्व कर रहे एसडीपीओ दिलीप कुमार ने अपने दल बल के साथ नवगछिया गौशाला रोड से शहरी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों को होते हुए स्टेशन रोड तक फ्लैग मार्च किया। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण हो, इसके लिए विशेष फ्लैग मार्च निकाला गया है। बकरीद को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बकरीद का पर्व मनाने को लेकर अपील की। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद थे। आइए सुनते हैं नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने इस मौके पर क्या कहा। की मीटिंग हो चुकी है, लोगों को निर्देश दिया जा चुका है और हम लोग सौहार्द का वातावरण बना रहे हैं। इसके लिए पूरी जिले में आज फ्लैग मार्च का आयोजन एसपी साहब की तरफ से किया गया है। उसमें हम लोगों की जिम्मेवारी शहरी क्षेत्र है और बाकी देहात क्षेत्र में थाना स्तर पर और सर्किल इंस्पेक्टर साहब के स्तर पर किया जा रहा है। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों में ये मैसेज जाए कि सौहार्द के साथ पर्व को मनाना है। जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से उसका 100% पालन करवाएं हम लोग, और साथ में जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोग ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी फैलाएंगे तो उनकी खैर नहीं है। किसी भी हाल में हम लोग सामाजिक सौहार्दता को बिगड़ने नहीं देंगे। कहां से कहां तक का ये फ्लैग मार्च था? ये हमारा पूरे शहरी क्षेत्र में अगर कहें तो गौशाला से शुरू होकर के और हरिया पट्टी और मस्जिद गली होते हुए हम लोग स्टेशन आए हैं और ये काफिला हमारा आगे उजानी तक जाएगा। और देखते हैं जहां जहां सेंसिटिव जगह है जहां लोगों को हम मैसेज दे सकते हैं वहां वहां पहुंचने का कोशिश करें। इसमें हमारे अलावा हमारे जो सब इंस्पेक्टर डीएसपी साहब हैं वो लोग हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं नगर थाना के, और हमारे कुछ ट्रेनिंग कॉन्स्टेबल्स हैं, हमारे पीएसआई लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर हैं। तो हम लोग पूरी जो शहरी क्षेत्र में और पुलिस लाइन में जो भी है अधिक से अधिक बल बना करके हम लोग निकले हैं मार्च में ताकि लोगों को अच्छा मैसेज आए। यदि कोई आपराधिक जो है अप्रिय घटना को घटित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी उसके साथ? जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार 100% उनको हम वहां तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे जिसके वो भागीदार होंगे। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील करेंगे कि ये पर्व त्यौहार का माहौल है और इसमें खुशी से सौहार्द से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार को मनाएं और मनाने में उनको सहयोग भी करें। सर, कोरोना रिटर्न हो गया नगरसिया में, कल 3 आज पुनः 1 केस मिल गया। अपने माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत दिन के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकले हैं, देख रहे हैं लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी हुई है, लापरवाही बढ़ गया है, बहुत सारे लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। तो उनसे अपील है कि कृपया मास्क लगा के चलें, ये कभी भी कोरोना रिटर्न बैक हो जाएगा फिर हमारे लिए सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी।